हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रजत सिंह, वेलकम टू इंजीनियर सेंटा। गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। गाइस, एचपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी जो आई हुई है, उस पर्टिकुलर वैकेंसीज के बारे में एक डिटेल वीडियो जरूरी थी आप सभी के लिए, जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग के स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले ओपनिंग डेट, फॉर्म की ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे क्लियरली डेट ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 13/12/2021, यानी कि आज से ही, आज 13 तारीख है और आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। 6/1/2022 यानी कि जनवरी, 6 जनवरी, याद रखिएगा 6 जनवरी लास्ट डेट है, इससे पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है। कैसे फिल करना है, कमीशन की वेबसाइट पे जाइए hpsc.gov.in पे, वहां से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं मेनली इस पर्टिकुलर चैनल पे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स ही हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गाइज अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सारी की सारी ऑथेंटिक और क्विक इन्फॉर्मेशन हम आपको कोशिश करते हैं प्रोवाइड कराने की। तो चैनल अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे तो जितनी भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी वैकेंसी होंगे, वो आपसे मिस नहीं होंगे। देखिए गाइज, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल में लेक्चरर की यहाँ पे टोटल कितनी पोस्ट है, 77 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस कॉलम में लिखी हुई है, कैटेगरी वाइज पोस्ट बाकी लिखी हुई है। यहाँ पे 77 पोस्ट है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर की। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर साइंस में बात करें तो 44, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 61, अच्छी खासी वैकेंसी है। फैशन डिजाइनिंग में 6 है, फूड टेक्नोलॉजी में 2 है, और लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको 17, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 63। यानी कि अब मेनली देखो, बच्चे बात करते हैं सिविल की, कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की, तो यहाँ पे वैकेंसी जो देखा जाए ठीक ठाक है, अच्छी वैकेंसी है। इसको ठीक ठाक भी नहीं, अच्छी बोला जाएगा, इसलिए क्योंकि लेक्चरर की पोस्ट 80-77 ये सब इतनी पोस्ट देखना मतलब बहुत कम देखने को मिलती है, और बहुत काफ़ी समय पे ये वैकेंसीज आती हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी मिली है, अभी आपको यूपी में भी ऑलरेडी बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, 22 तारीख को एग्जामिनेशन भी है, यहाँ भी आपको देखने को मिल गई। और यहाँ पे फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं आपको वन बाई वन करके बताने वाला हूँ। अगर आपकी ब्रांच सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है बैचलर एंड मास्टर, एंड लिखा है और, यानी कि बीटेक के साथ साथ एमटेक भी होना चाहिए, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन सिविल विद फर्स्ट क्लास इधर इन बैचलर और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी कि फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए, या तो बीटेक में या फिर एमटेक में, लेकिन बीटेक और एमटेक दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हाई स्कूल एजुकेशन, ऑब्वियस सी बात है, हायर एजुकेशन, यानी कि जो 10वीं आपने पास करा होगा उसमें हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के तौर पे बच्चे क्या करते थे, हिंदी या संस्कृत चूज करते थे, या तो हिंदी हो या तो संस्कृत हो। उसके साथ साथ लिखा हुआ है लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके लिए भी बैचलर एंड मास्टर्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद द फर्स्ट क्लास, सब में क्वालिफिकेशन में बीटेक और एमटेक लिखा हुआ है। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि दोनों में से किसी एक में आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत यहाँ भी सेम, पूरा का पूरा क्राइटेरिया सेम है, बस केवल ब्रांचेज, जैसे सिविल वालों के लिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल में, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पे आपको डिग्री और जो भी है रिक्वायरमेंट बीटेक और एमटेक की वो चाहिए इनको। 10th वाला क्राइटेरिया सब में सेम है, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम क्राइटेरिया। बात करते हैं इसके बाद, इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन और क्या क्या हो सकती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, यहाँ पे आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में उन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कि जो भी रिक्रूटमेंट होगा वहाँ पे आप अगर इंडियन सिटीजन है तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं, सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान वो बच्चे भी भर सकते हैं। तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और साथ ही साथ कुछ एज के क्राइटेरिया दिए गए हैं। इसका क्राइटेरिया देखिए,
वन पर नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द सर्विस बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हु इज लेस देन 21 ईयर. 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार, जो इतना कुछ कर लेगा बीटेक एमटेक उसकी एज 21 साल से कम कैसे रहेगी. और मोर देन 42 ईयर्स 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द कमीशन. जो भी लास्ट डेट यानी कि 6/1/2022 है उस समय पे एज का कैलकुलेशन होगा और उस टाइम पे आपकी एज इन दोनों क्राइटेरिया के अंदर ही आनी चाहिए. ये यहाँ पे एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है. बात करें फॉर्म की फ़ी की, अच्छी खासी फ़ी रहती है हरियाणा के एग्जामिनेशन में. यहाँ पे देखिए, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट ऑफ अदर स्टेट, 1000 रुपये रखा गया है. अदर स्टेट के जो भी आएंगे वो जनरल में ही आएंगे, यहाँ पे 1000 रुपये उनके लिए फॉर्म फी रखी गई है. फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग द फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट 250 रुपये. बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अदर स्टेट को भी इंक्लूड रखा है इसमें और उसमें फीमेल के लिए 250 रुपये रखा है. अच्छा इनिशिएटिव है, हर गवर्नमेंट को लेना चाहिए, लेकिन ये सारा बर्डन इन पे नहीं डालना चाहिए, ये मेरा मानना है ना. ये भी किसी माँ बाप के ही बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो भी उतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं जितनी मेहनत से इनके माँ बाप कमाते हैं. डेफिनेटली लड़कियों को प्रोत्साहन देना है, प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी फ़ी जो कम की गई है यहाँ पे ऐड कर दो. मेरा ऐसा मानना है, आप लोग की क्या सोच है ज़रूर अपनी सोच बयां करिएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग अग्री करते हो कि नहीं. उसके बाद लास्ट में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC ST BCA BCB ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी में जो भी होंगे, ऑब्वियस बात है यहाँ पे हरियाणा वाले बच्चों को ही प्रेफरेंस मिलेगी, उसके लिए अलग से क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना जरूर एक बार. उनके लिए 250 रुपये का फॉर्म है और इस फॉर्म को आप लोग क्लोजिंग डेट से पहले ही फिल करना है. गाइज आपको आई होप पूरी की पूरी जानकारी सही लगी होगी, समझ में आई होगी क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन भर सकता है. और डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को फिल कीजिए, आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़िए और यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेके रहना है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एमटेक करा होगा वो वेट कर रहे होंगे एक अच्छी वैकेंसी आए जिसमें एमटेक वाले एलिजिबल हों. और यहाँ पे प्रिपरेशन फेज में भी होंगे तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस अगर एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो. राइट गाइज, चलिए यही बताना था इस पर्टिकुलर वीडियो में. और जितने भी बच्चे, तमाम बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको भी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंजीनियर अड्डा पे. डेफिनेटली हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस भी चलाते हैं. यूट्यूब पे क्लासेस जो होती हैं वो फ्री क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपको सर्विंग में पढ़ा रहा हूँ, आपको मॉर्निंग में क्लास चल रही है आपकी 10 AM से 11 AM के बीच में. लेकिन पेड क्लासेस में अगर आपको क्लासेस करनी है तो वहाँ पे 2 आवर 3 आवर की रेगुलर टेक्निकल की एज वेल एज नॉन टेक्निकल की अलग क्लासेस, डेली क्लासेस पेड क्लास एप्लीकेशन अड्डा 24/7 पे चलती है. अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो. स्क्रीन के ऊपर एक कोड फ्लैश कर रहा होगा, दिख रहा होगा आपको Y293. इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी प्रोडक्ट जो कि अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड कराता है. गाइज यहाँ पे आपकी ब्रांच अगर सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो आप इन सभी महापैक को परचेज कर सकते हैं. इसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ मिल जाता है हर एग्जामिनेशन के लिए. जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो आपके सारे सब्जेक्ट, जैसे सर्वेइंग है, RCC है, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, इरीगेशन, हाइड्रोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, हाईवे, रेलवे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इस पर्टिकुलर महापैक में मिल जाएंगे जो भी एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे. राइट, 12 मंथ और 6 मंथ दो वैलिडिटी में अवेलेबल है. उसी तरीके से ये बाकी के पैकेज जो हैं ये भी 12 मंथ और 6 मंथ की वैलिडिटी में अवेलेबल है. आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करिए. यहाँ पे कूपन कोड है Y293, इसको अप्लाई करते ही प्राइजेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. अप्लाई करके देख सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है लगभग 6 महीने वाला 2900 रुपये में, 2900 रुपये में, जिसमें आपकी टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस होंगी. उसी तरीके से 12 महीने वाला 3500 का होगा इस कूपन कोड को लगाने के बाद एप्लीकेशन से.
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन पे भी क्लासेस देख सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं एप्लीकेशन पे भी, लैपटॉप पे भी रिकॉर्डेड वीडियो भी उनकी मिलती हैं, वो भी देख सकते हो। अगर आप वर्किंग हो, जॉब वाले हो, तो आपके पास जब भी फ्री टाइम है उस टाइम पे आप अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ज्वाइन करिए, क्लासेस अटेंड करिए। यूट्यूब की भी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। अगर आपको देखना है कि किस लेवल का पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आप यूट्यूब की क्लासेस 10 बजे मॉर्निंग में होती है, वहां से आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पुट करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।